नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये जो आज वीडियो है, बहुत लोग इंतजार कर रहे थे टाटा पंच ईवी का। बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है ये, और उसी के साथ ये लॉन्च हो चुकी है भारत में, और इसकी बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। 21,000 रुपए का अमाउंट देकर के आप इसको बुकिंग करा सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त है। टाटा मोटर्स की जो पिछली जो टेक्नोलॉजी थी, जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी, वो कहीं ना कहीं उसमें काफी सारे बग्स थे, उतना ज्यादा रेंज भी नहीं मिल पाता था, कुछ इश्यूज भी थे। तो अब इसके चलते नया जो प्लेटफॉर्म है एक्टी ईवी, जी हाँ, एक नया प्लेटफॉर्म ला चुकी है टाटा मोटर्स, और पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट माना जा रहा है ये एक्टी ईवी जो नया प्लेटफॉर्म है। तो चलिए दोस्तों, डिटेल से बात करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, ये जो माइक्रो एसयूवी है, एक जो नया जो इनका प्लेटफॉर्म है ये टाटा मोटर्स का, उसका नाम दिया गया इन्होंने एडवांस कनेक्टेड टेक इंटेलिजेंट ईवी प्लेटफॉर्म। जी हाँ, ये जो प्लेटफॉर्म है, आने वाले समय में इसी पर हैरियर, सियेरा, अविन्या और टाटा की कर्व भी इसी पर बेस्ड रहने वाली है, क्योंकि ये काफी ज्यादा एडवांस जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही एडवांस है। इस नए आर्किटेक्चर में एक नया ऑप्टिमाइज बैटरी पैक लगाया गया है जो पहले से ज्यादा एडवांस है। दो ऑप्शंस में ये निकाली जाएगी, एक तो लॉन्ग रेंज में और एक नॉर्मल रेंज में। तो नॉर्मल जो रेंज रहेगी, यानी कि जो शॉर्ट रेंज के लिए रहेगी, तो इसमें आप 25 किलोवाट तक का बैटरी पैक देखने को आपको मिल जाएगा, और इसी के साथ साथ जो लॉन्ग रेंज की रहेगी उसमें 35 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आपको देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, मैं बता दूं कि अब तक जो एक रेंज बताई जाती थी जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी के साथ टाटा मोटर्स की, उसमें काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाता था, पर अब आपको ये ट्रू रेंज बता रहे हैं कि 300 किलोमीटर का ट्रू रेंज रहेगा। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसके सेल्स जो है वो एडवांस ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुसार इनको टेस्ट किया गया है, जिनकी एनर्जी डेंसिटी पहले जो ये सेल्स यूज करते थे उससे 10% ज्यादा रहने वाली है। और इसी के साथ साथ इसमें जो है सिंगल चार्ज पर बैटरी को 300 किलोमीटर से भी ज्यादा चलाया जा सकता है। और इसी के साथ साथ जो ये एक्टिव ईवी आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, ये ऑल व्हील ड्राइव भी आएंगी, रियर व्हील ड्राइव और फॉरवर्ड व्हील ड्राइव भी आएगा। अब इसका फ्रंट भी काफी ज्यादा चेंज है, जिसको अब फ्रंक बोल दिया गया है। फ्रंक इसलिए बोल दिया गया कि आप देख सकते हैं कि इसमें आप लगेज रख सकते हैं आप फ्रंक में, मतलब आगे का जो बोनट है उसमें आप लगेज रख पाएंगे अपना, थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है वहां पर। और इसी के साथ अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं, तो काफी गजब के फीचर्स आ रहे हैं इसमें। 360 कैमरा आ रहा है राउंड व्यू सिस्टम के साथ, और इसी के साथ साथ एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ये सभी चीजें आपको मिल जाएगी। ये जो आप फीचर्स दिए जा रहे हैं, ये प्रीमियम कैटेगरी के फीचर्स सारे आपको देखने को मिलेंगे इसमें। एयर प्योरीफायर आपको इसमें मिल जाएगा, SOS फंक्शन आपको मिल जाएगा, DC फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी, यानी कि कहने का मतलब है 150 किलोवाट तक का DC फास्ट चार्जर इसमें सपोर्ट करेगा। और इसी के साथ साथ जो आप होम चार्जर अगर यूज करेंगे, जो कि ऑनबोर्ड चार्जर रहेगा, 7.2 किलोवाट से लेकर के 11 किलोवाट तक का इसका चार्जर रहेगा, जो कि AC चार्जर होगा। 10 मिनट के चार्ज पे आप इसको 100 किलोमीटर तक का ड्राइव कर सकते हैं फास्ट चार्जर के साथ। और दोस्तों, मैं बता दूं कि ये एक्टिव जो प्लेटफॉर्म है, यानी कि ये जो नया आर्किटेक्चर है, इसमें मजबूती का भी खास ख्याल रखा गया है। और इसी के साथ साथ पहले भी मैं आपको बता दूं, जो इनके IC इंजन के साथ आती थी, वो भी 5-स्टार रेटिंग ग्लोबल एनकैप में उसने प्राप्त करी थी। और इस मॉडल में भी मजबूती का, सेफ्टी का बहुत ज्यादा खास ख्याल रखा जाएगा। भारत एनकैप में अब ये टेस्ट होंगी, इतना स्कोर ला पाती है ये टेस्ट होने के बाद पता चलेगा। हालांकि टाटा पे हमारा विश्वास काफी पहले से है, मजबूती के मामले में अगर देखा जाए, बिल्ड क्वालिटी के मामले में देखा जाए, तो ऐसे में टाटा मोटर्स बहुत खरी उतरती है। 4-5 स्टार रेटिंग इसकी ज्यादातर कार अचीव करती ही करती है। और इसी के साथ मैं बता दूं, 5G नेटवर्क को सपोर्ट करेगी टाटा की नई पंच। कनेक्टिविटी जो है काफी ज्यादा फास्ट रहने वाली है। और रही बात इसके इकोसिस्टम के अपग्रेडेशन की, तो वो आपको ओवर द ईयर अपडेट टाइम टू टाइम टाटा मोटर्स की तरफ से इसमें मिलता रहेगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस आर्किटेक्चर को, जो कि एक्टिव ईवी आर्किटेक्चर है, इसको 4 लेयर्स में बांटा हुआ है। जैसे कि आप देख पाएंगे, फर्स्ट लेयर पावर ट्रेन है, जो कि व्हील्स है और बाकी सारा स्ट्रक्चर है। उसके बाद सेकंड जो लेयर आती है वो चेसिस किया जाती है, और जो थर्ड लेयर आती है इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर रहेगा, यानी कि मदरबोर्ड और पूरा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और सब कुछ लगा रहेगा उसके अंदर, जो मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा बैटरी से रिलेटेड और पूरा व्हीकल से रिलेटेड। और इसी के साथ साथ जो लेयर 4 आती है, क्लाउड आर्किटेक्चर रहेगा, यानी कि AI इनेबल्ड जो फीचर्स रहेंगे। और देखा जाए तो एक देसी कंपनी, एक भारतीय कंपनी इतना जबरदस्त जब करती है, तो एक भारतीय का गर्व से सर ऊंचा होता है। जो जापानीज है और जर्मन कंपनीज है, वो उतना अच्छा नहीं कर पा रही जितना जबरदस्त टाटा मोटर्स ने करके दिखाया है। और आने वाली जो कार्स हैं, जैसे कि सियेरा, कर्व और हैरियर और आपकी अविन्या, अविन्या को देखा जाए तो आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त प्रोडक्ट है ये, जब आएगा 2025 में एक्सपेक्टेड है। और ये भी एक्टिव ईवी इसी आर्किटेक्चर पर बेस्ड होने वाली है। तो दोस्तों, कॉमेंट करके जरूर बताएगा कैसे लगी आपको टाटा पंच ईवी, और इसी के साथ साथ ये भी जरूर बताएगा कि अगली इलेक्ट्रिक व्हीकल आप कौन सा लेने का सोच रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो यहीं तक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।